मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने अपनी कार्यप्रणाली से एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया है। दरअसल गुरुवार को बाणगंगा थाना क्षेत्र से अचानक 9 साल की मासूम लापता हो गई थी। परिजनों की शिकायत पर हरकत में आई पुलिस ने रात भर सर्चिंग कर बच्ची को सकुशल ढूंढ निकाला। बच्ची के सकुशल लौटने से जहाँ परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं था, वहीं क्षेत्रवासियों ने थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी का फूलों से स्वागत कर आभार जताया। बाणगंगा पुलिस ने जीता रहवासियों का दिल। पुलिस ने लापता मासूम की रात भर की सर्चिंग। नौ साल की बच्ची को बुआ के घर से किया बरामद। थाना प्रभारी का फूलों से स्वागत कर जताया आभार। जी हाँ, एक बार फिर इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने अपनी बेहतर कार्यप्रणाली के चलते लोगों का दिल जीत लिया है। पुलिस ने अपनी त्वरित कार्यवाही से जहां एक मां के दिल के टुकड़े को सही सलामत ढूंढ निकाला, वहीं आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास को मजबूत किया है। यही वजह है कि अब थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी सहित उनकी टीम का फूलों से स्वागत किया गया। करना उससे करना। दरअसल गुरुवार की करीब 4:30 बजे बाणगंगा थाना क्षेत्र के यादवनंद नगर से 9 साल की कुसुम शाह के अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान अचानक वो लापता हो गई। पहले तो कुसुम की मां और पड़ोसियों ने आसपास बच्ची को तलाश किया, लेकिन करीब 5 घंटे के बाद जब मासूम का कोई पता नहीं चला तो बाणगंगा थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे थाने की टीम को मासूम की तलाशी में लगा दिया और खुद थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी मासूम को ढूंढने निकल पड़े। रात भर पुलिस ने आसपास के कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें बच्ची अकेली दौड़ लगाती नजर आ रही थी। आखिरकार पुलिस को एक मोबाइल नंबर मिला, जिसकी लोकेशन के आधार पर पुलिस ने मासूम की बुआ के घर पहुंची, जहां से कुसुम शाख को सकुशल बरामद कर उसकी मां को सौंप दिया। थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी ने बताया कि बच्ची की तलाशी में पुलिस के साथ साथ रहवासियों ने पूरी रात जागकर पुलिस का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। क्या नाम है आपका? भारती साकिया। क्या नाम बच्ची का? क्या नाम है? कुसुम साकिया। क्या हुआ था? शिकायत करने आप थाने पहुंचे थे, बच्ची कैसे गुम हो गई थी और कितनी देर में मिली है? वो बहुत देर हो गई थी, 4:30 बजे उठी थी मैं तो गायब हो गई। तो मेरी कुसुम ट्यूशन नहीं है, वो भाभी गई थी तो भाभी कह लगे कुसुम नहीं जा रही, तो मैंने कि वो बाहर आई, मैं गई तो देखी तो कुसुम नहीं है। अच्छा। तभी हमने इनको फोन लगाया, इनकी कुसुम घूम गई, तो तभी ये बुआ के दगाए तो ये ताला डरा था तो नहीं मिली। फिर हमने कि चलो थाने चले, थाने गए थे। हाँ, रिपोर्ट लिखी गई थी थाने पे। हाँ, रिपोर्ट लिखवाने गए थे। उसके बाद पुलिस और आप सभी मोहल्ले वालों ने बहुत हेल्प करी, बहुत ज्यादा। क्या हेल्प करी? कब तक? मतलब पूरी रात जागे जी। कैसे ढूंढी बच्ची तक, कैसे पहुँचे आप लोग? पूरी रात वो तो कैमरे के जरिए से गए पहुँचे इनने भी। अच्छा, क्या दिखा कैमरे में? ये अकेली जा रही थी। अच्छा, कहाँ से मिली बच्ची ये? आप मुझे नहीं मालूम, इतने लोग। मैं क्या लगता है आपको भाई मोहल्ला लोग और पुलिस का धन्यवाद करेंगे आप? बहुत बहुत करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा भारती नाम है। आप कौन है बच्ची की? माँ हूँ। वहीं अपनी 9 साल की मासूम बेटी को सकुशल पाकर माँ भारती शाक्य की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अपनी लाडली बेटी को मिलने पर उन्होंने बाणगंगा थाना प्रभारी सहित रहवासियों का आभार जताया। आया था, हमने अपने ट्रेस किया जल्दी बच्ची को।
देखिए, कल रात्रि में 9:30 बजे बच्ची जो है उसकी माँ भारती और उनके पति हमारे पास आए, काफ़ी मोहल्ले के लोग भी साथ में थे। उनने बताया कि बच्ची जो हमारी जो 4:30 बजे घूमी, 5 घंटे जब उन लोगों ने तलाश लिया बच्ची को, तो फिर वो जब नहीं मिली तो फिर वो हमारे पास में आए। फिर हमने अपने अधिकारियों को बताया, कमिश्नर साहब, एडिशनल कमिश्नर साहब, हमारे DCP साहब, हमारे एडिशनल DCP साहब, ACP साहब, सबका कंसर्न ये था कि बच्ची जो है उसकी उम्र को देखते हुए पूरा थाना इसमें जो है इसमें लगा दिया जाए। और पूरे थाने को हमने लिटरली पूरे थाने को लगा दिया, जितना हमारे पास बल उपस्थित था, करीबन 28-29 लोग थे, सब हमारे तीनों सब इंस्पेक्टर, ASI, हमारा पूरा बल जितना था सब लगा दिया, अलग अलग टीमें बना के। पहले तो हमने उनको मैनुअली तलाशा, जब नहीं मिली तो फिर मोहल्ले से हमने फिर कैमरों को देखना शुरू किया। अब दिक्कत एक ये थी कि रात अंधेरी हो चुकी थी, 12 बज गया था, सब पूरे दुकानें बंद हो चुकी थी। इस मोहल्ले के लोगों ने जो कल जज्बा दिखाया है, मैं इस मोहल्ले के लोगों को सैल्यूट करता हूँ। सैनी जी खड़े हैं, पीयूष जी खड़े हैं, भाई साहब खड़े हैं, ये लोग पूरी रात हमारे साथ जागे और इन लोगों ने उन दुकानों को खुलवाया जो दुकानदार बंद करके जा चुके थे। इस मोहल्ले की महिलाएं खड़ी हैं, ये सब मैं सबको आप दिखाता हूँ, ये भाई खड़ी हैं, ये बहन जी खड़ी हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे, एक भी व्यक्ति पूरी रात नहीं सोया। मैं बोलता रहा इनसे कि चले आओ आप लोग घर, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मोहल्ले वालों ने पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरी रात हमारी मदद की और परिवार को भी हौसला बढ़ाया और हम लोगों के लिए भी पानी, चाय, सब पूरी रात लगे रहे सब लोग। एक कैमरे के फुटेज को हमारे 2 जवान देखते थे, लेकिन मोहल्ले के 20 लोग साथ में रहते थे। तो ये जो जज्बा मोहल्ले का था, ये बहुत सराहनीय है। ऐसी एकता हर मोहल्ले में होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और फिर बात रही तो फिर फुटेज हमने देखे, करीब 11-12 फुटेज देखने के बाद में हम लोग देख रहे थे, हर फुटेज में लड़की अकेली भाग रही है और दौड़ लगा रही, कई कैमरों में दौड़ लगा रही थी। तो हमको इस कैलकुलेशन पे पहुँचे हम कि बच्ची यह तय कर चुकी है कि उसको कहाँ जाना है, क्योंकि वो कहीं भटक नहीं रही, किसी से पूछ नहीं रही थी, वो हर कैमरे में भागती हुई दिखती थी। हमने ये भी पता करा तो ये बच्ची जो है, इसके पूर्व में जो फादर हैं वो भोपाल में रहते हैं, ये इनकी मदर तो वही है, पिताजी दूसरे हैं। उनसे बात करी तो उनका लोकेशन निकाला तो वो भोपाल में ही थे। फिर लोकल रिश्तेदारी में पता करा तो उनकी एक बहन रहती है यहाँ पर, तो उनकी बहन को हम जब फ़ोन लगाएं तो उनका फ़ोन किसी ऐसे मोड पे था कि उसको कोई भी फ़ोन लगाए तो वो उसमें बिज़ी बता रहा था। तो हमने उस फ़ोन का लोकेशन लेके, हमने एक लोकेशन के लिए भेजा उसको, तो उसका लोकेशन हमको मिला सवेरे। तो उसमें जो लोकेशन मिला, उसी लोकेशन पे हर फुटेज में लड़की अकेली भाग रही है और दौड़ लगा रही, कई कैमरों में दौड़ लगा रही थी। तो हमको इस कैलकुलेशन पे पहुंचे हम कि बच्ची यह तय कर चुकी है कि उसको कहां जाना है, क्योंकि वो कहीं भटक नहीं रही, किसी से पूछ नहीं रही थी, वो हर कैमरे में भागती हुई दिखती थी। हमने ये भी पता करा तो ये बच्ची जो है, इसके पूर्व में जो फादर हैं वो भोपाल में रहते हैं, ये इनकी मदर तो वही है, पिताजी दूसरे हैं। उनसे बात करी तो उनका लोकेशन निकाला तो वो भोपाल में ही थे। फिर लोकल रिश्तेदारी में पता करा तो उनकी एक बहन रहती है यहाँ पर, तो उनकी बहन को हम जब फ़ोन लगाएं तो उनका फ़ोन किसी ऐसे मोड पे था कि उसको कोई भी फ़ोन लगाए तो वो उसमें बिज़ी बता रहा था। तो हमने उस फ़ोन का लोकेशन लेके, हमने एक लोकेशन के लिए भेजा उसको, तो उसका लोकेशन हमको मिला सवेरे। तो उसमें जो लोकेशन मिला, उसी लोकेशन को हमने टारगेट करके फिर से फुटेज देखना शुरू किया, तो बच्ची उसी डायरेक्शन में जाती दिखी। और फाइनली हम जब उस डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो वो अपनी बुआ के घर पे बच्ची मिल गई हमें। छोटी सी गलती ये ज़रूर हुई उसमें बुआ की तरफ से कि जब बुआ के घर पहुंची थी तो बुआ यदि उसकी माँ को या थाने बता देती कि रात बच्ची हमारे पास आ गई है तो ये कुछ और जल्दी जो था वो प्रॉब्लम हल हो जाती। लेकिन बहरहाल इस बात का संतोष है कि लड़की बच्ची जो है वो सकुशल और सुरक्षित हमें मिल गई है, उनके माता पिता को हमने सुपुर्द कर दिया। छोटी सी बात है बच्ची की जो हर घर में हो सकती है, उसमें कोई नई बात नहीं है कि बच्ची का वो ट्यूशन, पड़ोस में बच्ची ट्यूशन जाती है, बोल के भी निकली थी कि मैं ट्यूशन जा रही हूँ। फिर मैंने बच्ची से पूछा कि तुम क्यों भाग गई घर से, तो उसने बताया कि मेरा ट्यूशन में मन नहीं लगता और मुझे ट्यूशन जाने के लिए घर में ज़बरदस्ती बोलते हैं ट्यूशन जाओ, तो और मेरा मन नहीं लगता ट्यूशन जाने में, तो फिर मैं अपनी बुआ के घर भाग गई। फिलहाल ये पहला मामला नहीं है जिसमें बाणगंगा पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए लोगों का दिल जीता हो। इसके पहले भी पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा हो या शातिर चोरों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।